हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो टॉपिक किए हैं दे आर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मोबिलिटी एंड द रिलेशन बिटवीन देम, जैसे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। ओके, अब कुछ न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी के जो बेस्ड हैं उन्हीं कंसेप्ट पे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल 3.1 आपकी एनसीईआरटी का, और बोर्ड में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्टीमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1.0 × 10⁻¹⁷ मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। Assume that each copper atom contribute roughly one conduction electron. The density of copper is 9.0 × 10³ kilogram per meter cube and its atomic mass is 63.5. तो इसमें क्या बोला गया है? We have a copper wire या copper conductor जिसमें उसका cross section area दिया है और उसके अंदर कितना करंट है ये दिया है और उसकी डेंसिटी दी है और कॉपर का एटॉमिक मास दिया है और आपसे क्या पूछा है उस कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। वैसे इस न्यूमेरिकल का एक बी पार्ट और भी है, लेकिन सबसे पहले हम फिलहाल इतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम पिछले वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं। वी हैव क्या द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या आ जाएगा, वी डी इज इक्वल टू आई ओवर एन ई ए। तो इसको मैंने इक्वेशन वन कंसिडर कर लिया। अब अगर मेरे पास ये सब पैरामीटर की वैल्यू आ जाती है तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा। तो जो वैल्यू हमें गिवन है जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले करंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5 एम्पियर, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हमें मालूम ही है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना दिया हुआ है, 1 × 10⁻¹⁷ मीटर स्क्वायर। तो I की वैल्यू, E की वैल्यू और A की वैल्यू, E की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, I और A की वैल्यू आपको गिवन है। अब बात आती है N की वैल्यू, N क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जरा इस N की वैल्यू निकालते हैं, तो जरा समझिए, थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होगा। देखिए, सिंस एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 यूनिट, ये कहलाता है यूनिट, तो कॉपर का जो एटॉमिक मास है वो कितना गिवन है, 63.5 यूनिट। अब आपको केमिस्ट्री में क्या सिखाया जाता है, अगर किसी का एटॉमिक मास एक्स है, जरा ध्यान से सुनिए, अगर किसी का एटॉमिक मास एक्स है तो इसका क्या मतलब है, यानी एक्स ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एवोगाड्रो के, 6.23 × 10³। ये आपको क्लियर हो गया। अगर मैं कहता हूं एक कोई एटम है एक्स और उसका कोई एटम है और उसका एटॉमिक मास है एक्स, ठीक है, तो वैसे समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना गिवन है, कॉपर का एटॉमिक मास गिवन है 63.5 यूनिट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 63.5 ग्राम कॉपर में इतने एटम होंगे, ठीक है। अगर कॉपर का एटॉमिक मास इतना है 63.5, तो ये क्या सेंस है, इसकी सेंस ये है कि 63.5 ग्राम कॉपर अगर मैं लेता हूं तो उसमें कितने एटम होंगे। वैसे तो 6.23 × 10³ होता है, लेकिन मैंने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए केवल 6 ही लिया है। ओके, आप ऐसा न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। चलिए, तो 63.5 ग्राम में इतने एटम होंगे, ओके, और हमें कॉपर की कितनी अमाउंट गिवन है, कॉपर की अमाउंट है
9×10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 9×10³ किलोग्राम में कितने होंगे, हमने मान लिया x, इतने ग्राम में इतने, और हमें गिवन अमाउंट कितनी है 9×10³ किलोग्राम। तो हमने मान लीजिए कि हमें जो कॉपर की अमाउंट दे रखी है, कॉपर का जो मास दे रखा है 9×10³ किलोग्राम, उसमें हमने कितने एटम मान लिए x। तो जरा ध्यान देना, आपने 8 क्लास का एक सिंपल सा मैथ है कि a अपॉन b इज इक्वल टू x अपॉन y, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं a की वैल्यू लिखूं तो हो जाएगा xb ओवर y, समथिंग आपने इस तरह से किया होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप इसमें ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x into this is equal to this into this, clear हो गया, x multiply this is equal to this multiply this। तो यहां से क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी, okay? तो you will get the value of x। चलिए let's see, 10³ 23, 10³ 3, तो 23 और 3 कितने हो गए 26, लेकिन अगर मैं इस, जरा ध्यान देना, नीचे है ग्राम ऊपर है किलोग्राम, अगर मैं इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लूं तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा, 3 तो पहले से ही था, 10³ किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट करा तो कितना गया 3 और आ गया, तो 23 और 6 कितना हो जाएंगे 29। अच्छा तो आप कहेंगे सर आपने 28 क्यों लिखा, देखो 6 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 54, लेकिन मैंने एक जीरो और ले लिया यहां से, तो इसलिए कितना आया 28। अच्छा नीचे 63.5 है, ओके जब आप 540 को 63.5 से क्या करोगे डिवाइड, तो यू विल गेट 8.5। तो ये जो हमारा कॉपर है उसके अंदर कितने एटम है 8.5×10⁸। तो ये जो x की वैल्यू है यही बेटा किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, यानी आप इस x को क्या लिख सकते हो n लिख सकते हो, ओके तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई n की वैल्यू आ गई। तो i e a और n इसकी वैल्यू किस में रख दो, इक्वेशन 1 में, तो बाय इक्वेशन 1 वी गेट, तो vd इज इक्वल टू i की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई, e की वैल्यू और a की वैल्यू, ठीक है। तो 1.5 as it is, 8.5 as it is, 1.6 as it is, माइनस के 19 और माइनस के 7, तो कितने हो गए माइनस के 26, ये 28 है माइनस के 26, तो कितना बचा 10⁻², ओके 8.5 की 1.5 as it is, 8.5 की 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13.6, और ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻², ओके इस पॉइंट को हटाया 1.5 के साथ जो पॉइंट है, तो ये 10⁻², क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, ये 15 बन जाएगा, और 15 को जब आप 13.6 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट एग्जैक्ट आंसर 1.1×10⁻³ मीटर पर सेकंड। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कॉपर। तो यहां तक हमारा न्यूमेरिकल क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ओके इस एग्जांपल 3.1 के बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबव विद थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉज द ड्रिफ्ट मोशन। तो काफी इजी न्यूमेरिकल है, तो इसके देखिए बी का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है 1.1×10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिली है। इसके बाद हमें इसको कंपेयर करना है थर्मल स्पीड से। तो अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में मैंने आपको थर्मल स्पीड की स्टैंडर्ड वैल्यू बताई थी 10⁵ मीटर पर सेकंड। सिंस थर्मल स्पीड इज इक्वल टू 10⁵ मीटर पर सेकंड,
तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल स्पीड का रेशो लेता हूं तो ये आएगा 10 की पावर माइनस 3। मैंने केवल इसका ऑर्डर उठाया यहां से और ये हो जाएगा 10 की पावर 5, तो दैट इज 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द इजी वे डू दिस पार्ट। ऐसे ही अगर हम इसका बी का सेकंड पार्ट करें, उसने हमसे कंपेयर कराया है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेव। तो मैं आपको बता दूं, आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? द वेव विच कंटेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी वेव जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जो लाइट की स्पीड होती है। तो उस वेव के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उनकी स्पीड भी वही हो गई। तो ये सब आगे चल के आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम केवल उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। सिंस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको आप रट लीजिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से हम फिर इसका ऑर्डर उठाएंगे 10⁻³, 10⁸, और ये हो जाएगा 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका एग्जाम्पल 3.1 का फुल सॉल्यूशन। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 3.2। In this example, we have some statements and we have to answer one by one all these. So let सबसे पहला statement हम देखते हैं। इस statement में बोला गया है, in example 3.1, the electron drift speed is estimated to be only a few mm per second for current in the range of few ampere. Then how is current established almost the instant a circuit is closed? ये कहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने निकाली, दैट इज 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो उसने कहा जब इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, कम यानी धीरे चलते हैं, और करंट भी क्या होता है बहुत ही फ्यू, तो कैसे ये पॉसिबल है कि जैसे हम सर्किट को क्लोज करते हैं एकदम हमें बहुत लार्ज करंट मिल जाता है, एकदम हमें करंट मिलता है। तो उसने एक्चुअली इस स्टेटमेंट में यही मीनिंग है कि आपको जैसे सर्किट क्लोज करते हैं एकदम करंट कैसे मिल जाता है जबकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है बहुत कम है। तो देखिए एक्चुअली करंट हमें मिलता कैसे है। मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर एक्स वाई, और इसमें कंडक्टर में हमारे पास है ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन, और हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से क्या कर दिया, अटैच कर दिया प्लस माइनस, और यहां हम एक की ले लेते हैं। तो जैसे हम इस की को क्या करते हैं क्लोज करते हैं, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव हो जाता है प्लस टर्मिनल से माइनस की तरफ, और ये सभी इलेक्ट्रॉनों को पीछे की तरफ क्या लगाता है, पुश करता है, एक फोर्स लगाता है। तो देखिए होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसको आगे धकेलेगा और इसकी जगह ले लेगा, ये इसको आगे पुश करेगा और इसकी जगह ले लेगा, यानी सभी इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, पुश करते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कोने वाला एकदम से कहां जाएगा प्लस टर्मिनल में, और जैसे ही ये प्लस टर्मिनल में आएगा एकदम से निगेटिव से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो यहां जाएगा। तो जैसे हमने स्विच ऑन किया एकदम से ये सभी एक दूसरे की पोजिशन की क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, और हमें इसलिए एकदम क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसे मान लीजिए जब आप लाइन लगाकर स्कूल में सभी स्टूडेंट चलते हैं लाइन में चलते हैं, तो एक बच्चा आगे बढ़ता है तब जाकर वो पीछे वाला उसकी पोजीशन लेता है, यानी ऐसे ऐसे। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, इसका आंसर ये बनेगा, इन अ कंडक्टर वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड दे पुश ईच अदर एंड एक्वायर देयर पोजिशन, सभी एक दूसरे को क्या करते हैं पुश करते हैं, और इसीलिए हमें एकदम से क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। ऐसा करंट इसलिए नहीं मिलेगा, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है तो करंट इसलिए नहीं मिलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के जब यहां आए, नहीं, ये तो क्या होगा जैसे ही ऐसे पुश करेंगे तो जो कोने वाला है वो एकदम पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा
और एकदम निगेटिव से उठ के यहाँ को ही आ जाएगा, और बाकी तो सब एक दूसरे की पोजिशन लेते हैं, और ये सीक्वेंस क्या होता है, चलता रहता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि सर्किट को क्लोज करते ही हमें एकदम करंट क्यों मिलता है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर एंड व्हेन द सर्किट इज क्लोज दे पुश ईच अदर एंड दे ऑक्यूपाई देयर पोजिशन, सब एक दूसरे को पुश करता है और उसकी पोजिशन लेते हैं, तो इसलिए हमें एकदम क्या मिल जाता है, करंट मिल जाता है। ओके, इन द बी पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल हमसे पूछा गया है द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइज ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बट द फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन, व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन एक्वायर ए स्टडी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। देखिए ये हमसे क्या कहना चाहता है, इसने हमसे कहा है कि ये हमारा एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब तक इस कंडक्टर को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करूंगा, ये मैंने अभी की को क्या क्लोज नहीं किया है, ये बैटरी। ओके, तो तब इन इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा रैंडम मोशन। ये आपको मालूम है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन होगा वो क्या होगा, रैंडमली, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं जा सकता है। लेकिन जैसे ही मैं इस की को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा, तो मान लीजिए टर्मिनल एक्स है, ये टर्मिनल वाई, तो एक्स से वाई के बीच में ठीक है एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब पे क्या लगाएगा, फोर्स। तो देखिए वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो जैसे आपने बैटरी के की को क्लोज किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो इन सब पे क्या लगाएगा, फोर्स। कौन सी फोर्स, आपको चैप्टर 1 में याद होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। यहां ई का काम कौन, क्यू का काम कौन करेगा, ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों पे इतनी फोर्स लगाएगा, खैर ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही ये इन पर फोर्स लगाएगा, तो आपको मालूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये कहता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर फोर्स लगाएगा, इन इलेक्ट्रॉनों के पास क्या होना चाहिए, एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन हम तो क्या लिखते हैं, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, अब एवरेज कब आता है, एवरेज तब आता है जब हमारे पास किसी चीज की कई सारी वैल्यू होती है। ओके, तो एक्सेलरेशन की वजह से तो क्या होना चाहिए, वी हैव अ वेलोसिटी स्पीड। लेकिन होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन एक खास एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन रास्ते में कौन आ जाते हैं, बाउंड एटम आ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इन बाउंड एटम से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं और अपनी स्पीड को खो देते हैं, अपने एक्सेलरेशन को लॉस कर देते हैं, और उसके बाद दोबारा से ये क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं। तो भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों को क्या देता है, ये एक्सेलरेशन देता है, लेकिन ड्यू टू द कोलिजन इलेक्ट्रॉन लूज देयर वेलोसिटी अगेन एंड अगेन। कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन चलते तो हैं, लेकिन हर बार उनकी टक्कर होती है, और उस टक्कर की वजह से वे हर बार अपनी वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, एंड एक्वायर न्यू
velocity due to this acceleration. तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, भले ही उनके पास एक्सेलरेशन होता है लेकिन हर बार उनकी टक्कर होती है, वे अपनी वेलोसिटी को लूज कर देते हैं और ये जो एक्सेलरेशन है वो फिर से उन्हें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो इलेक्ट्रॉनों का मोशन क्या होता है, चलते हैं, टकराते हैं, अपनी वेलोसिटी खो देते हैं, ये एक्सेलरेशन फिर उनको क्या करता है, स्पीड अप करता है और इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो हर टक्कर के बाद उनकी स्पीड क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो हम उन सभी स्पीड का क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, जिसका हम क्या बोलते हैं, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। हेंस इलेक्ट्रॉन पजस मल्टीपल velocities due to which या whose average is called average drift speed। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल क्या बोला गया है, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इज स्पीड इज स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज इज स्मॉल, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। इसने कहा इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड कम होती है, उनका चार्ज कम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लार्ज करंट कैसे मिल जाता है। तो देखिए इसको सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। तो आपके पास एक रिलेशन होगा I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से देखें करंट किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंस I डायरेक्टली डिपेंड ऑन n, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, विच इज अ लार्ज अमाउंट, कितनी, नियरली इक्वल टू 10^29, ठीक है, मीटर क्यूबिक। आपको बताया था पिछले वीडियोस में किसी भी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मीटर क्यूबिक में 10^29, ठीक है। अगर हम एक ऐसा कंडक्टर लें जिसकी लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर, तो उसमें लगभग कितना होंगे, 10^29 लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो सिंस एन इज वेरी लार्ज, हेंस we get large current, simple से। भले ही e की value कम हो, drift velocity की value कम हो, a की value कम हो, लेकिन n की value इतनी ज़्यादा होती है कि हमें automatically i की value क्या मिलती है, ज़्यादा। Okay, in the fourth part of this question, हमसे क्या पूछा गया है? When electron drift in a matter from lower to higher potential, does it mean that all the free electron of the metal are moving in the same direction? देखें, examiner आपसे क्या पूछना चाहता है? पहले तो question को समझ लीजिए। Suppose ये हमारा conductor और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये हमारा कंडक्टर और इसमें ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये ऐसे,
ये ऐसे, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से और ये कुछ इस तरह से, यानी सब अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, अब मैंने इस कंडक्टर को एक बैटरी से क्या कर दिया, अटैच कर दिया, प्लस माइनस की क्लोज्ड जॉइंट कर दिया। तो जैसे आप की क्लोज करेंगे, मान लीजिए एक्स टर्मिनल, ये वाई टर्मिनल, तो एक्स से वाई के बीच में क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये सब अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे, सबकी डायरेक्शन में थी। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पे क्या लगाएगा, फोर्स, ठीक है, और कैसे लगाएगा, अपनी डायरेक्शन के अपोजिट। तो देखिए होता क्या, जरा समझिए, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या चाहता है, इस डायरेक्शन में। तो ये इसको कैसे ड्रैग करेगा, ये इसको देखिए, ये इसको ऐसे घुमाएगा और फिर ऐसे। तो ये इसको कैसे, देखिए इसकी, इस इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है ये, और इलेक्ट्रॉन इसको कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैसे चाहता है, ऐसे। तो ये इसको कैसे ड्रैग करेगा, ये इसको ऐसे ड्रैग करेगा, ठीक है ना, यानी इसको ऐसे घुमाएगा और फिर लेके जाएगा। अगर हम बात करें इसकी, तो ये इसकी डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहां लेके जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, ऐसे ड्रैग करेगा, देखना इसको कैसे घुमाया, ऐसे, इसको कैसे घुमाया, ऐसे। ओके, इन द नाउ वी हैव द लास्ट स्टेटमेंट, और दोनों के आंसर आपको एक साथ ही समझ में आ जाएंगे। इन द स्टेटमेंट डी आपसे बोला गया, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन द मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो डज इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इसने बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर चलते हैं, ये क्या सेंस है समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका कंडक्टर हो गया, और आपने इसको एक बैटरी से क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ये एक्स टर्मिनल, ये वाई टर्मिनल। तो एक्स किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, वाई किससे जुड़ा है, माइनस से। तो जो प्लस है उसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और निगेटिव को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, ये आगे चल के भी काफी काम आएगी आपके। तो जैसे हम बैटरी कंडक्टर को ये हमारा कंडक्टर, और इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए जब बैटरी को कनेक्ट नहीं किया गया, यानी की क्या है, नहीं ऑन है, तो जब बैटरी नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जा रहेगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, यानी सबकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो जैसे हम इस की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है किसके बीच में, प्लस से माइनस के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे गया, प्लस से माइनस के बीच, एक्स क्या है, हायर पोटेंशियल, वाई क्या है, लोअर पोटेंशियल। एक्स एक्स किससे जुड़ा है, प्लस से, हायर पोटेंशियल, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। वाई किससे जुड़ा है, माइनस, यानी लोअर पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, हायर से लोअर पोटेंशियल। लेकिन ये फोर्स किधर लगाता है, ये फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है हायर से लोअर, लेकिन फोर्स किधर लगाएगा, अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी डायरेक्शन के अपोजिट पुश करता है, यानी फोर्स किधर हो गई, फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी डायरेक्शन के अपोजिट फेंकता है, अपोजिट पुश करता है। तो यानी फोर्स कैसे लग रही है, अपोजिट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर है तो फोर्स क्या हुई, लोअर से हायर। तो वही स्टेटमेंट लिखा है,
इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं लोअर से हायर, फोर्स कैसे लग रही है लोअर से हायर। तो क्या सभी का, डज ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? नहीं, देखिए ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर की ओर लाना चाहेगा, ठीक है ना, इधर की ओर ड्रिफ्ट करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, इधर ऊपर की ओर, तो ये फोर्स इसको क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे। ये जा कैसे रहा था, सीधे, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा। ये बात समझ में, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या हुआ, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये फोर्स इसको कहाँ लेके जाना चाह रहा है, ऐसे। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम जाएगा, समझे बात आ गई। और मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे घूम जाएगा, ऐसे। तो जो फोर्स लगने से ये क्या होगा, देखिए इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन, तो सभी की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी तो क्या ये सभी सेम डायरेक्शन में घूमेंगे, तो आप लिखेंगे नो, इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव इन सेम डायरेक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम नहीं होगी। अच्छा एक बात और देखिए, ये कैसा पाथ आया, कर्व, ये कैसा आया, कर्व, ये कैसा आया, कर्व। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, तो सबके डायरेक्शन सेम नहीं होती। ऑल्सो द पाथ, ये इंपॉर्टेंट है, द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कर्व अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक तो सभी इलेक्ट्रॉनों का पाथ क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, और सब क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो डी पार्ट का आंसर क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट तो करते हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया। ई पार्ट में आपसे पूछा है पाथ के बारे में, क्या पाथ स्ट्रेट लाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में या प्रेजेंस में। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसा होगा, कर्व, और एब्सेंस में क्या होगा, जब ये बैटरी नहीं अटैच थी, तो भले ही जिगजैग जा रहे थे, लेकिन चल कैसे रहे थे, स्ट्रेट, जिगजैग मोशन था। लेकिन तो यहां हम लिख देते हैं, ये तो क्या हो गया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पाथ डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग, और पाथ क्या होगा, कर्व, और इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जिगजैग, मोशन तो क्या होगा, जिगजैग होगा, एंड पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जब बैटरी अप्लाई नहीं की गई थी, यानी की को क्लोज नहीं किया गया था, की ओपन थी, तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे थे, अलग अलग डायरेक्शन में, जिगजैग, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन पाथ उनका क्या था, स्ट्रेट, समझे बात आ गया। तो जब बैटरी नहीं होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो मोशन क्या होगा, जिगजैग, और पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही की को क्या करेंगे, क्लोज, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या करेगी, इनको ड्रैग करेगा अपनी डायरेक्शन में ले जाने के लिए, ऐसे सबको अपनी अपनी डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ऐसे इसको तो पूरा ही घुमा देगा ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही सबके इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन तो देखिए सबके एक जैसी नहीं है, ये ऐसे घुमा, ये ऐसे घुमा, सब अलग अलग घूम रहे हैं,
तो डायरेक्शन सेम नहीं होगी और पाथ कैसा होगा, कर्व होगा। तो ये आपका पार्ट डी और पार्ट डी का क्या है, कंबाइंड आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट है।